हे गाइस, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल राजस्थान। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर हो तो आपको 100% फॉलो करनी चाहिए। अगर आप वो फॉलो करते हो तो 100% आपका चैनल मोनिटाइज होगा, ठीक है। और इन बातों का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओ। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप कभी भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए वो मेल आईडी का यूज ना करें जो आप काफी लंबे समय से अपने फोन में यूज करते आए हो। भले यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए यूज किया हो या किसी भी तरह से यूज किया, उसको नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपने अगर लंबे समय से आप यूज कर रहे हो तो 100% ये चांस है कि आपका उसमें ऑलरेडी एक चैनल क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपने उसके YT स्टूडियो में जाके वहाँ से क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है। तो वो चैनल काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही बना हुआ है बट उस पर कोई वीडियोस नहीं है, जिस वजह से YouTube ने हो सकता है उसको डेड कैटेगरी में डाल दिया हो, डेड चैनल की कैटेगरी में। तो अगर आप उस पर वीडियोस डालोगे तो बहुत कम चांस है उसके ग्रो होने के, ठीक है। बहुत मुश्किल से अगर वो वायरल हुआ तो ही आपका चैनल ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपके ऑलरेडी कोई वीडियो आपने डाली और वो वायरल हो गई है उस चैनल पे, तब आप उस पर वीडियो बनाइए, आपके चांस है वो ग्रो हो जाएगा। बट अगर आपने वीडियो नहीं डाली है काफ़ी समय से और फिर आप डालना चाहते हो तो बहुत लंबा समय लग सकता है आपके वो ग्रो होने में, ठीक है। तो कभी भी सेम मेल आईडी का यूज़ ना करें और हमेशा बनाओ तो नए मेल आईडी से आपका चैनल क्रिएट करना है। और चैनल में प्रॉपर आपको टैग्स वगैरह सब लगा के, उसका लोगो वगैरह लगा के सब फिर प्रॉपर बना के उसके बाद ही आपको चैनल पे वीडियोस अपलोड करने हैं, ठीक है। और वीडियो हमेशा एक ही थीम पे आपको बनाने हैं। अगर आप टैग कैटेगरी से हो तो टैग के वीडियो बनाओ, अगर फूड ब्लॉगर हो तो फूड ब्लॉगर के वीडियो बनाओ, अगर नॉर्मल व्लॉगिंग करते हो तो व्लॉगिंग के वीडियो बनाओ, ऐसे, ठीक है। तो जो भी आपका मेन पॉइंट है उसी पे ऊपर वीडियोस बनाने हैं आपको हमेशा। सेकंड पॉइंट, हमेशा अपने थंबनेल को नीट एंड क्लीन रखिए, उसमें फालतू का कचरा नहीं डालना है कि आपने उसमें अपना लोगो भी घुसेड़ दिया और उसमें आपकी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी सबको लगा दिया कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो कस्टमर के दिमाग में फालतू का कचरा नहीं डालना, सिंपल सा वो वीडियो जो देखने आया है उसी के रिलेटेड आपका टॉपिक होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ जो भी आप बुलेट पॉइंट लिखो वो उस थंबनेल में क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, भले दो लाइन का ही हो बट वही होना चाहिए। पूरा फालतू का कोई कचरा नहीं होना चाहिए, आप सिंपल सा उस पर एक लोगो लगा दीजिए जिस टॉपिक पर आप बना रहे हो और साइड में आप उसकी दो बुलेट पॉइंट्स लिख दीजिए। और ध्यान रखिएगा उसी पॉइंट्स को आपको उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है, ठीक है, ताकि कस्टमर को क्लियर हो सके कि ये किस रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, किस टॉपिक के रिलेटेड, ताकि अगर वो सर्च करके ढूंढे तो वो इजीली उसको ओपन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है वीडियो में आपको हमेशा खुद की वॉइस या फिर आप खुद का फेस दिखाना होगा आपको, तभी वो वीडियो आपका माना जाएगा। अगर आप किसी और की वॉइस यूज़ कर रहे हो तो YouTube, ये 100% चांस है कि YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज के वक्त रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप कोई मतलब ग्राफिक बना रहे हो तो उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपकी वॉइस होनी चाहिए कम से कम, या फिर आपका फेस दिखना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ ये आपका चैनल है और आप इस पर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपको हमेशा है ना ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी और के वीडियोस यूज़ नहीं करने हैं अपने वीडियोस के अंदर, ठीक है, क्योंकि उससे भी आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कॉपीराइट का कि आपको कभी भी है ना किसी और के बॉलीवुड म्यूज़िक है जैसे, या कोई भी जैसे जो ट्रेंड ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिनका, उनके आपको म्यूज़िक यूज़ नहीं करने हैं आप, हो सकता है तो नो कॉपीराइट म्यूज़िक भी नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सर्च करके वहाँ से आप उसके वीडियो सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस के अंदर, ठीक है। और यूट्यूब की खुद की ऑडियो लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आप इनके सॉन्ग यूज़ कर सकते हो, तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और बैकग्राउंड में आप वो सॉन्ग यूज़ करोगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो हर टाइप का आप सॉन्ग नहीं डाल सकते क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो आपका चैनल बर्बाद कर देगा वो। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी यूट्यूबर्स के क्या है, जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके रीयूज कंटेंट लिख के रिजेक्ट हो जाता है चैनल। तो रीयूज कंटेंट का क्यों आता है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या है कि जो वीडियोज़ हमने चैनल पर डाले हैं उनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी और के चैनल पर अपलोड किए हुए हुए हैं, उन्हीं को वापस उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इस वजह से वो रीयूज़ कंटेंट का आता है। रीयूज़ कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का चुराया है, बट हो सकता है कि आपने क्या किया है
कि किसी और के वीडियो या उनसे मिलता जुलता भी हो गया तो भी आपका, या किसी की क्लिप यूज कर लिया आपने तो भी आपके रीयूज कंटेंट का एरर आ सकता है, जिस वजह से चैनल रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जिनका चैनल ऑलरेडी मतलब पुराना चैनल बना हुआ है उस पर उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं बट उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया, और फिर उन्होंने क्या किया, नया चैनल बनाया उस पर अपने वीडियोस डाले, उनमें से कुछ वीडियो वायरल हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने पुराने वाले वीडियोस को उठा के एज इट इज़ वहाँ पे नए वाले वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने से क्या हुआ कि अब उन पे व्यूज़ तो आ गए, अब वहाँ पे जब वो मोनेटाइज करेंगे तो रीयूज कंटेंट में जब उनका वीडियोस वेरीफाई होंगे तब वो वहाँ से पता कर लेगा यूट्यूब कि ये वीडियो ऑलरेडी पुराने वाले चैनल पे उनके अपलोड है। तो यूट्यूब हमेशा जिनके फर्स्ट अपलोड हुआ है उन्हीं को ओनर मानता है उस वीडियोज़ का, ठीक है। तो वो वीडियो मैन आपके पुराने वाले चैनल के काउंट होंगे, ठीक है, इस वजह से वो रीयूज कंटेंट में काउंट होता है। तो हमेशा ऐसा करो आप, तो उससे पहले आप अपने पुराने, अगर आपका नया वाला चैनल अच्छा चल रहा है तो आपको पुराने वाले चैनल के जो वीडियो आपने यूज़ किए हैं उनको या तो परमानेंट डिलीट कर लीजिए आप, या फिर उनको प्राइवेट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपके उस चैनल से हट जाएंगे और इस पर फिर आप यूज़ करोगे तो कोई आपके रीयूज कंटेंट का एरर नहीं आएगा और आपका चैनल ईजिली मोनिटाइज हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक केस आया था मेरे पास इस रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और लास्ट और आपके लिए सबसे बेस्ट टिप यही है कि आपको पता ही होगा मेरा चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट यूट्यूब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर हो और आपके प्रॉब्लम आ रही है या आपका चैनल मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट हो गया है तो आप मेरे को नॉर्मली मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या मेरी सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके मेरे को आप DM कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपकी, हो सके तो मैं आपकी हेल्प करूँगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, और जितनी नॉलेज मेरे को है मैं उससे भी आपको बताऊँगा जिससे आपका चैनल ईजिली मोनिटाइज हो जाए और आपका चैनल ग्रो हो जाए, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।